आज मैं पांच ऐसे फूड की बात करने वाली हूँ जिनको खाने से मेल एंड फीमेल फर्टिलिटी दोनों पे जबरदस्त असर होता है। पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, वेट इश्यूज हैं आपको, वेट ज्यादा है, कंसीव करना है, ओवुलेशन नहीं होता, पीरियड्स इरेगुलर है, हार्मोनल इंबैलेंस है इन जनरल आपको। सो इन एनी केस ऑफ इनफर्टिलिटी आप इन फूड आइटम्स को रूटीन में आप शामिल कर लीजिए, फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब सहेली चैनल। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ उनसे आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है। नंबर वन, मेंस्ट्रुएशन की इरेगुलरिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को टोन करने वाले फूड होते हैं। दूसरी चीज़, एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव होती है। और ऐसे ही नहीं कह रही, इन पर बाकायदा रिसर्च हुई है। जो भी फूड बता रही हूँ उन पे पर्टिकुलर रिसर्चेज हैं, स्टडीज की गई हैं कि कैसे ये स्पर्म की एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। सो एवरीथिंग इज साइंटिफिक। इसके अलावा पीसीओडी है, पीसीओडी की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो न्यूट्रिशन देंगे बॉडी को सुपर फूड्स के थ्रू, जिससे कि एग की क्वालिटी अच्छी हो एंड हार्मोन बैलेंस हो, देन नेचुरली बॉडी ओवुलेट करेगी और आपके हार्मोन बैलेंस हो गए एंड आप कंसीव कर सकती हैं। सो ऐसी कंडीशन लीवर के लिए भी है कि लीवर को डिटॉक्स करने के लिए भी कुछ सपोर्ट चाहिए होता है हमारा, कि हम कुछ ऐसी चीज़ खाएं जिससे लीवर को हेल्प मिले कि बॉडी के वो टॉक्सिन्स को रिमूव कर सके। सो इन फूड में वो भी क्वालिटी है। अब बहुत क्यूरियोसिटी हो गई होगी कि ये फूड है क्या, कौन से वो पाँच फूड है। सो देखते हैं। नंबर वन फूड है आपका बीट रूट। स्टडीज के अकॉर्डिंग उसमें नाइट्रोजन जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके प्रजनन अंगों में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। तो पुरुषों की जो भी समस्याएं होती हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी हो गई, स्पर्म प्रोडक्शन से रिगार्डिंग इश्यूज हो गए, स्टैमिना वाइटिलिटी की प्रॉब्लम है, लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, सब में ये काम करता है। नेचुरल वियाग्रा भी इसको आप कहें तो गलत नहीं है। सो बीट रूट आधा टुकड़ा आप रोज ले सकते हैं, और एक छोटा बीट रूट है तो वो एक आप ले सकते हैं। कई तरीके बीट रूट लेने के, आप इसका सूप बना सकते हैं, आप इसका जूस ले सकते हैं, थोड़ा सा आंवला गाजर अगर मिला सकते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बीट रूट को कुक करके, बॉईल करके आप सैलेड, रायता, पराठा, टिकिया सब चीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ हैं बीट रूट को यूज़ करने। कई लोग जब सैलेड में बीट रूट खाते हैं ना तो उनकी टंग पे सेंसेशन होता है, वो कई दिन तक रहता है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो बीट रूट को हमेशा रॉ ना खाएं, और इसको आप पकाकर भी यूज़ करें। किडनी प्रॉब्लम वाले लोगों को इसे कुक करके यूज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़ है टोमेटो। टोमेटो तो वरदान है फर्टिलिटी के लिए। सोचिए कितना आसान चीज़ जो साल के 12 महीनों में अवेलेबल रहता है और उससे फर्टिलिटी बढ़ती है। लेकिन टोमेटो को कच्चा खाने की बजाय अगर आप उसे कुक करके खाते, जैसे कि बीट रूट लिया एंड टोमेटो लिया, उसका आपने सूखे जूस प्रिपेयर कर लिया, ये अच्छा तरीका है। कुक करके जब आप टोमेटो को यूज़ करते हैं तो लाइकोपिन कंटेंट बढ़ता है, वो स्पर्म पैरामीटर्स और एग की क्वालिटी पे बहुत इफेक्टिवली काम करता है। डीएनए में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, डिफेक्ट्स आते हैं, ये उनको भी रिपेयर करने का काम करता है। तो जेनेटिक डिफेक्ट से भी आप बच सकते हो। इसके बाद बात आती है अनार की। अनार पे स्टडीज हुई है कि 8 हफ्ते तक अगर पुरुष अनार का नियमित प्रतिदिन उपयोग करता है तो उसके स्पर्म पैरामीटर्स इंप्रूव हो जाते हैं, सेम एज फीमेल्स। फीमेल्स के साथ भी यही फायदा है कि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी बनती है, और पोषण की कमियां तो ऑब्वियसली दूर हो जाएंगी। आयरन, कैल्शियम एंड फाइबर बहुत अच्छा है, तो पोषण की जरूरतें भी ये आपकी पूरी कर देगा, तो हार्मोनल इंबैलेंस नहीं होगा। चौथी चीज़ है स्प्राउट्स। यूं तो छिलके वाले जो बंद होते हैं, जैसे कि साबुत जो होते हैं अनाज, वो भारी होते हैं थोड़ा पचने में, लेकिन जब ये स्प्राउट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, तो अंकुरण के बाद उसके अंदर कई अच्छे वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं। तो उससे एक तो वो पचता बहुत अच्छे से है, प्लस उसका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाता है, कई सारे विटामिन्स उसके अंदर बढ़ जाते हैं, तो वो आपको बहुत फायदा देता है। सुपर फूड, एकदम मिराकल, एकदम जबरदस्त ताकत देने वाला होता है। तो स्प्राउट्स को अपनी डेली रूटीन में किसी भी तरीके से जरूर आप शामिल करें। इसके बाद है दालचीनी। दालचीनी फर्टिलिटी बूस्ट करने वाली चीज़ है। इसको दूध में मिलाकर, इसका चाय बनाकर, फ्रूट्स पे स्प्रिंकल करके, चाट वगैरह में डाल के आप दालचीनी को यूज़ करें। वेट लॉस करना है, पीसीओडी है, तो एक महीने में रिजल्ट आने लग जाते हैं, और ये बहुत ही मिराकुलस होती है। तो ये 5 कैटेगरी के फूड आइटम्स ज़बरदस्त हैं आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के। एक्सरसाइज ज़रूर करें, एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट रोल है कंसीव करने के। मैंने 5 गोल्डन फार्मूलाज बताएं कि जल्दी कंसीव करना है, तो ये 5 चीज़ें आपकी आदत में, रूटीन में होनी चाहिए। वो वीडियो ज़रूर देखें एंड डाइट में इन चीज़ों को आप फॉलो करें, रिजल्ट ज़रूर आएगा। प्रयास ज़रूर करें। स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।